वाराणसी में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सरकारी मशीनरी से लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक इसकी तैयारी में जुटी हैं। इन तैयारियों से इतर वाराणसी में इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक डॉक्टर ने अनोखे प्रयास की शुरुआत की है, जिसके तहत क्लिनिक में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को चिकित्सीय परामर्श के बाद वो तिरंगा उपहार स्वरूप भेंट कर रहे हैं। डॉक्टर आशीष जायसवाल ने बताया कि पूरे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव को उत्साह के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में इस मुहिम को रफ्तार देने के लिए उन्होंने इस अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत मरीजों को फ्री तिरंगा उपहार स्वरूप वो भेंट कर रहे हैं, ताकि स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा शान से फहरता नजर आए। देखिए, आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, और इसमें लोगों में देश प्रेम की भावना और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य की भावना जागृत हो। लोग अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने की जिम्मेदारी को समझें। जो आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, उसमें जो लोगों का बलिदान है, जो उसको लोग याद करें और समझें कि हमें अपने देश को आगे ले जाने के लिए कैसे अपना सहयोग कर सकते हैं। उसके लिए जो हर घर तिरंगा मुहिम है, उसमें हम लोग जो भी मरीज आते हैं सबको तिरंगा देते हैं, और उनको बताते भी हैं कि देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें आप लोग अपनी ओर से देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या योगदान कर सकते हैं, उसके लिए आप सोचिए। वाराणसी के इस डॉक्टर के अनोखे मुहिम को वहां आने वाले मरीज और उनके परिजन भी सराह रहे हैं और उनके साथ इस महोत्सव में शामिल होने की बात कह रहे हैं। बताते चले कि देश में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में तमाम आयोजन सरकारी संस्थाओं के साथ पॉलिटिकल पार्टियां और दूसरी संस्थाएं आयोजित कर रही हैं। स्वतंत्रता पर हर ओर भारत माता की जय के साथ तिरंगा शान से फहरता दिखे, इसके लिए हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। यहाँ रहने वाला हूँ मैं, यहाँ पे आया था डॉक्टर साहब से हार्ट का इलाज कराने के लिए, तो डॉक्टर साहब ने ये मुझे मेरा दवा इलाज चल रहा है अच्छे से, बहुत सही भी हो गया हूँ, और आज मैं आया था तो डॉक्टर साहब ने हमको ये तिरंगा दिया है। और एक मुहिम चला रहे हैं सर, जो हर घर तिरंगा लगाने का, इससे जो हमारे शहीद और बलिदानी हैं उनको याद किया जाए एक बार फिर से, और देश के हर एक नागरिक को ज़रूरत है कि उनको याद किया जाए,